Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is the 11th lecture of mathematics, and in previous two lectures we have discussed two methods for the solution of square roots. ठीक है, the first one is prime factorization method and the second is division method. आज हम exercise 2.4 start करेंगे, जिसमें आपने इन दोनों methods को use करना होगा. ठीक है, अब हम square roots को solve करेंगे, लेकिन आपके पास वो फ्रैक्शन फॉर्म में होंगे. पहले आपने 2.3 में जो नंबर्स लिए थे वो नंबर्स आपके पास सिंपल नंबर थे, लेकिन जो आज आप 2.4 में क्वेश्चंस लेंगे उनमें आपने फ्रैक्शंस को सॉल्व करना होगा. ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए. आपने ये सेवन्थ क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है कि जब भी दो नंबर अंडर द रेडिकल साइन, मतलब स्केयर रूट में जब भी दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आप उन दोनों पे अलग अलग स्केयर रूट अप्लाई करके उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है. और सेकंड जो है वो डिवीजन के लिए, कि जब दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं रेडिकल साइन में, मतलब जो रेडिकेंट है उसमें जो दो नंबर्स हैं डिवाइड हो रहे हैं, तो आप उन दोनों को अलग अलग स्केयर रूट अप्लाई करके लिख सकते हैं. तो ये दोनों प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है. ये जो सेकेंड वाली प्रॉपर्टी है वो आपके पास 2.4 में यूज हो रही है. चले हम आप 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. आपने इन स्क्वायर रूट को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है. तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अब आपको आना चाहिए. ठीक है, आज हम जो काम है वो सारा डायरेक्ट करेंगे. थर्ड पार्ट हम सॉल्व करते हैं, विच इज 196/441. ठीक है, अब आपने स्क्वायर रूट निकालना है इस नंबर का. तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करें. अब आपको पता है 196/441 पे जब आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, जब भी आपके पास स्क्वायर रूट में फ्रैक्शन में नंबर गिवन हो तो आप इन दोनों पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो मतलब आप दोनों पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर लें. अब आपने स्क्वायर रूट 196 भी निकालना है, स्क्वायर रूट 441 भी निकालना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो आप इसकी अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसकी अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. देखिए, 196 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे आपके पास ये प्राइम नंबर्स आएंगे 2277. ये आपने ऑलरेडी 2.3 में डिस्कस किया हुआ मेथड. ठीक है, फिर आपने 441 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है तो आपके पास ये प्राइम फैक्टर्स आएंगे 3377. अब आपको पता है स्क्वायर रूट्स में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जब भी आप यूज करते हैं तो आपने स्क्वायर रूट के अंडर जो भी नंबर गिवन होता है आपने उसकी जगह इन प्राइम फैक्टर्स को पुट करना होता है. तो आप इन दोनों में प्राइम फैक्टर्स को पुट कर दें. तो देखिए, 196 की जगह 2 × 2 × 7 × 7 और 3 × 3 × 7 × 7 441 की जगह आपने पुट कर लिया. फिर आपने पेयरिंग करनी होती है. पेयरिंग के बाद आपने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. मतलब आपने एक पेयर को किस फॉर्म में लिख लेते होते हैं, दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना 2, तो आप 2 स्क्वायर की फॉर्म में लिखें, 7 स्क्वायर 3 स्क्वायर 7 स्क्वायर. अब आपको पता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आर ऑपोजिट टू ईच अदर और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो स्क्वायर्स को स्क्वायर रूट साइन के साथ कैंसिल कर दें. तो 2 × 7/3 × 7 आंसर आएगा. तो दोनों को मल्टीप्लाई करें, 14/21 आएगा. आप 14/21 भी लिख सकते हैं, और आपको ये भी पता है कि 7 और 7 कैंसिल हो रहे हैं तो 2/3 भी आंसर लिख सकते हैं. तो जो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 196/441 है वो क्या आ रहा है, 14/21. नेक्स्ट वी हैव फोर्थ पार्ट, जिसमें आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है. सबसे पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करें. तो कन्वर्ट करना यकीनन आपको आता होगा. आप इसको कैसे करते हैं, 36 को हमेशा इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जो यहाँ साइड पे लिखा होता है. तो 36 × 1 = 36 मल्टीप्लाई करके जो नंबर आता है उसमें आप ये नंबर ऐड करते हैं जो न्यूमरेटर में गिवन होता है. 36 में 13 ऐड करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 49. तो सबसे पहले आप 1 × 13/36 जो आ रहा है इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 49/36 आ रहा है. अब आपने इसका स्क्वायर रूट अप्लाई करना है. इस पे स्क्वायर रूट अप्लाई करें बाय यूजिंग प्रॉपर्टी. आप इन दोनों पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर सकते हैं. अब आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे 49 के भी 36 के भी. तो 49 के प्राइम फैक्टर 7 × 7 और जो 36 के प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 × 2 × 3 × 3 आएगा. इन दोनों को किस फॉर्म में लिखें, 7² 2² 3² की फॉर्म में लिखें. स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट साइन आर ऑपोजिट टू ईच अदर, दोनों को कैंसिल करें, आंसर विल बी 7/2 × 3.
सेवन ओवर टू मल्टीप्लाई थ्री को सॉल्व करके सेवन ओवर सिक्स की फॉर्म में लिखें, क्योंकि ये देखें डिनोमिनेटर में थ्री टू जा सिक्स हो रहा है। अब देखें सेवन इज ग्रेटर देन सिक्स, तो जब भी न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से तो आपके पास पॉसिबिलिटी है ना कि आप डिवाइड कर सकते हैं, तो आप इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करके चेक करेंगे। डिवाइड आपने कैसे करना है, सेवन और सिक्स, सिक्स वन जा सिक्स, आंसर क्या आ रहा है, वन आ रहा है। तो इसको आप इस फॉर्म में लिखेंगे, हमेशा जो रिमाइंडर होता है वो आपने कहाँ लिखना होता है, न्यूमरेटर में। क्वोशेंट को आपने कहाँ लिखना होता है, यहाँ साइड पे लिखना होता है, और डिवाइजर आपके पास डिनोमिनेटर में आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 इंटू 13 बाई 36 का आंसर 1 इंटू 1 बाई 3 6 आ रहा है। तो ये था आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन से आपने स्क्वायर रूट्स फाइंड किए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, जिसमें आपने डिवीजन मेथड से इन स्क्वायर रूट्स को सॉल्व करना है। फर्स्ट आपके पास जो पार्ट है थर्ड पार्ट 784 ओवर 841। अब देखिए आपने यहाँ पे डिवीजन मेथड यूज करना है ना, तो डिवीजन मेथड के लिए उन सब स्टेप्स को आपने फॉलो करना है जो आपने प्रीवियस लेक्चर में यूज किए थे। मतलब आपने अगर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो इस पे अलग से स्क्वायर रूट होगा, इस पे अलग से स्क्वायर रूट होगा, फिर आपने इस किस के रूट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पेयरिंग करनी होगी, फिर आपने डिवाइजर देखना होगा क्या आएगा, मतलब उसी उन्हीं स्टेप्स को आपने फॉलो करना है और इसका स्केयर रूट फाइंड करना होगा। तो देखें सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्केयर रूट अप्लाई करेंगे, तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ये स्केयर रूट इस फॉर्म में आ जाएगा। मतलब आप इन दोनों पे अलग अलग स्केयर रूट अप्लाई करके लिख सकते हैं। फिर आपने क्या करना होगा, 784 का स्केयर रूट फाइंड करना है, तो स्केयर रूट बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से आपने इस तरह स्केयर रूट फाइंड किया था ना, तो आपने सबसे पहले इस मेथड को फॉलो करके 784 का स्केयर रूट फाइंड करना है, फिर आपने इस मेथड को फॉलो करके 841 का स्केयर रूट फाइंड करना है। तो देखें दोनों के अलग अलग आपने स्केयर रूट निकाले हैं। फिर दोनों के स्केयर रूट निकालने के बाद आपने 28/29 इनकी जगह पुट कर देना है, और 784 का स्केयर रूट 28 आ रहा है ना, तो इसकी जगह 28 और 841 के स्केयर रूट की जगह 29 पुट करना है, और लास्ट पे आपने लिख देना है हेंस स्केयर रूट ऑफ 784 ओवर 841 इक्वल्स 28/29। तो देखिए अगर हम कंपेयर करें डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को, तो डिवीजन मेथड में आपके पास स्टेप्स कम है, क्योंकि इसमें ना इजिली आपके पास सॉल्व हो जाता है दो तीन स्टेप्स में। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में जो जो आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा होते जाएंगे, लेट्स से आपके पास 7 डिजिट नंबर है या 9 डिजिट नंबर है, तो उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है। ठीक है, एक और पार्ट सॉल्व करते हैं, विच इज फिफ्थ पार्ट। तो सबसे पहले तो आपने इस मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। मतलब आप 64 को 5 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आ रहा है उसमें 41 को ऐड करें, तो 361 ओवर 64 आ रहा है। ठीक है, फिर आपने क्या करना होगा, स्केयर रूट अप्लाई करना है। जब आप स्केयर रूट अप्लाई करेंगे तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी आपको पता है कि आप दोनों नंबर्स पे, मतलब न्यूमरेटर पे अलग से स्केयर रूट अप्लाई करें, डिनोमिनेटर पे अलग से स्केयर रूट अप्लाई करें। फिर आपने अब स्केयर रूट ऑफ 361 फाइंड करना है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड के स्टेप्स को फॉलो करके आपने 361 का स्केयर रूट फाइंड किया, जिसका आंसर क्या आ रहा है, 19 आ रहा है। फिर आपने 64 के लिए डिवीजन मेथड फॉलो करना है, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। 361 की जगह आप 19 पुट करें, और 64 के स्क्वायर रूट की जगह आप 8, मतलब इनके आंसर्स पुट करें। अब आपने क्या करना होगा, 19/8 आ रहा है, तो आपको पता है कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब इसमें न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो डिवीजन आप कर सकते हैं, तो डिवीजन आप सबसे पहले करें। तो डिवीजन के लिए बच्चों आपने 19 को अंदर रखना है एज अ डिविडेंड और 8 से डिवाइड करना है, तो 8 2 16 आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अब आपने इसको जब भी आप मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, तो आपको पता है कि जो क्वोशेंट है वो हमेशा यहाँ आपने साइड पे लिखना होता है, रिमाइंडर न्यूमरेटर में लिखना होता है, और डिवाइजर एज इट इज डिवाइजर की जगह, मतलब डिनोमिनेटर में ही आएगा। लास्ट पे आप लिखते हैं हेंस स्केयर रूट ऑफ 5 × 41/64 = 2 × 3/8, दिस इज आंसर। होप्स हो आपको ये दोनों मेथड समझ आ गए होंगे। मतलब जस्ट आपके पास 2.3 और 2.4 में डिफरेंस ये है कि 2.3 में आपके पास सिंगल नंबर था जिसके आपने प्राइम फैक्टराइजेशन या डिवीजन मेथड को यूज करके स्केयर रूट फाइंड करना था, लेकिन 2.4 में आपके पास ये नंबर्स फ्रैक्शंस में गिवन है। तो फ्रैक्शंस में जब भी नंबर गिवन होंगे, तो सिंपल आपने
इस रूल को अप्लाई करना होगा. मतलब आपने न्यूमरेटर में अलग स्केयर रूट अप्लाई करना है, डिनोमिनेटर में अलग स्केयर रूट अप्लाई करना है. जो मेथड गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग आपने वही मेथड अप्लाई करके स्केयर रूट्स फाइंड करने हैं, और जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा. हियर इज टूडेज डायरी. आज की डायरी कंपेरेबल पहले वाली डायरी से थोड़ी ज़्यादा होगी क्योंकि वीकेंड आ रहा है. सो आपने क्वेश्चन नंबर 1 के इन पार्ट्स को और क्वेश्चन नंबर 2 के ये जो पार्ट्स हैं आपने इनको सॉल्व करना होगा. अगर आपको नहीं समझ आती तो आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में रेलेवेंट सब्जेक्ट टीचर से डिस्कस कर सकते हैं. आई होप सो लेक्चर इज अंडरस्टैंडेबल. और बच्चों 2.3 2.4 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. 2.3 में सिंपल नंबर्स गिवन थे और 2.4 में आपके पास फ्रैक्शंस में नंबर गिवन थे. बाकी सारे मेथड सेम है. जो भी आपको मेथड गिवन होगा, लेट्स से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड गिवन है तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करना है, और डिवीजन मेथड गिवन है तो डिवीजन मेथड के स्टेप्स को फॉलो करके आपने सॉल्व करना होगा. ओके, थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.